हेलो बच्चों, आज हम करेंगे विकराल चतुर्भुज की द्वैत प्रकृति का लेक्चर नंबर 9। तो जैसे कि हम 8 लेक्चर पहले कर चुके हैं, तो अपने 8 लेक्चर रिवाइज करके आइएगा, एनसीईआरटी पढ़ के आइएगा, वरना ये लेक्चर ऑब्वियसली आपको समझ में आएगा ही नहीं। तो पहले सारे एनसीईआरटी रिवाइज करके आइएगा और देखते हैं, चलिए आज क्या पढ़े। आज हम पढ़ेंगे निरोधी विभव पर अपत्यत विकिरण की आवृत्ति का प्रभाव। तो निरोधी विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है वो हम पहले ही इससे पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम उसको जस्ट कंप्लीट करेंगे और एक ग्राफ के साथ उसको समाप्त कर देंगे। तो ये तो अपना डायग्राम है जो मैं हर स्लाइड में लगभग हर बार दिखाता ही हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे इसकी जरूरत पड़ जाती है कभी कभी समझाने के लिए, तो इसको मैं हर बार इंक्लूड कर देता हूँ कि आप उतना ही समझिए इसको, कि उतना ही इंपॉर्टेंट होगा जितनी बार मैं इसको स्लाइड में इंक्लूड कर रहा हूँ। हर बार मैं इसको अपनी हर लेक्चर में लेके आता हूँ, तो समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए, और ये वाला डायग्राम जो मैंने पिछली लेक्चर में आपको ये समझाया था, लेक्चर मैंने आपको ये समझाया था कि यहाँ पे जो आवृत्ति वी होती है और जो देहली आवृत्ति वी नॉट होती है, धातु ए में देखिए, जब जब तक देहली आवृत्ति यहाँ देखिए, जैसे मेरा पॉइंटर देखिए ये रेड रेड, तो जैसे ये जब ये जब अपनी देहली आवृत्ति है वो प्रकाश की आवृत्ति से कम रही, तो उस समय निरोधी विभव 0 था, मतलब शून्य था। और जैसे ही जो अपनी देहली आवृत्ति है, अपनी जो प्रकाश की आवृत्ति उससे ज्यादा हो गई, धातु ए में इलेक्ट्रॉन जो है बाहर आ गए और ये जो है निरोधी विभव यहाँ से बढ़ना चालू हुआ, सीधा 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 जो है बिल्कुल ये बढ़ता गया। सेम धातु बी के लिए है, तो एक जो क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे दो क्यों बनाए हुए हैं, जब एक से समझा सकते थे तो दो धातुओं के लिए क्यों बनाया है। तो दो धातुओं से वो यह बताना चाह रहा है आपको कि इस धातु के लिए देखिए वी नॉट था दहली आवृत्ति, और धातु बी के लिए वही दहली आवृत्ति वी नॉट डैश है। ऐसा क्यों है? क्योंकि दहली आवृत्ति धातु तो धातु बदल जाती है, अगर दूसरी धातु वो बदलेंगे तो दहली आवृत्ति बदल जाएगी। दहली आवृत्ति हर धातु के लिए अलग होती है, इसलिए जो है धातु ए और धातु बी आपको अलग अलग दिखाई गई है। धातु बी की जो हमारा दहली आवृत्ति है वो धातु ए से ज्यादा है, इसलिए उसको थोड़ा देखिए जब ऊर्जा मिलती गई, लेकिन इस ऊर्जा जो पर जो है वो बाहर नहीं निकले इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसको दहली आवृत्ति उसकी वी नॉट डैश थी जो कि वी नॉट से ज्यादा थी। जब यहाँ से आते गए आते गए, जब वो वी नॉट डैश के बराबर से बराबर या उससे ज्यादा हुई आवृत्ति, जब ही जाकर इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकले और यहाँ से हमारा जो है अपना सर्किट कंप्लीट हुआ और निरोधी विभव यहाँ से बढ़ता चला गया। तो अब आप समझिए धातु है, धातु भी यहाँ पे क्यों आपको अलग अलग दिखाए गए हैं। तो देख लीजिए M15 जो है चित्र है, यहाँ पे एक दिए हुए प्रकाश संवेदी पदार्थ के लिए अपत्यत विकिरण की आवृत्ति वी के साथ निरोधी विभव वी नॉट का परिवर्तन। तो ये तो सिंपल सा जो है डायग्राम था, जो चित्र था, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी दिखाया था, तो अभी हम आज इसको खत्म करेंगे। तो देखिए विभिन्न प्रकाश संवेदी पदार्थ प्रकाश के लिए विभिन्न अनुक्रमीय दशा दर्शाते हैं। बिल्कुल, अब देखिए सेलेनियम जिंक अथवा कॉपर की तुलना में अधिक संवेदी है। अब देखो जो सेलेनियम होता है वो जिंक और कॉपर की तुलना में अधिक संवेदी होता है। क्यों? क्योंकि जो है जो कुछ प्रकाश संवेदी पदार्थ होते हैं वो अलग अलग जो है उनका नेचर अलग अलग होता है, जिसकी वजह से वो अलग अलग होते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि जब रुकिए मैंने उसके अलग से टेस्ट लगा रखा है, ये देखिए, एक ही प्रकाश संवेदी पदार्थ विभिन्न तरंग दैर्ध्यों के प्रकाश के लिए विभिन्न अनुक्रिया दर्शाता है। जैसे तरंग दैर्ध्य, अब जैसे मान लो कोई तरंग दैर्ध्य, अगर किसी फिक्स तरंग दैर्ध्य की प्रकाश पड़ रहा है पट्टिका पर, तो अलग अलग जो है अपने पदार्थ के लिए अलग अलग तरह से काम होगा। कुछ पदार्थ के लिए वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ही नहीं, कुछ पदार्थ में निकलेंगे बट कम निकलेंगे, कुछ पदार्थ में ज्यादा निकलेंगे। तो जिसमें ज्यादा निकलेंगे वो सिलेनियम उनमें से एक है। सिलेनियम जो है इन सब में अलग संवेदी है, सबसे ज्यादा संवेदी है, जिंक और कॉपर से ज्यादा सिलेनियम संवेदी है, इसलिए उसमें ज्यादा निकलेंगे। तो बस और बस यही, कॉपर में पराबैंगनी प्रकाश के प्रकाश से विद्युत प्रभाव होता है, जबकि हरे अथवा लाल रंग के प्रकाश से यह प्रभाव नहीं होता है। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जब कॉपर में पराबैंगनी प्रकाश से प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है, जबकि हरे और लाल रंग के प्रकाश से प्रभाव नहीं होता है। पराबैंगनी प्रकाश है, इसको इंग्लिश में अल्ट्रा वायलेट रेज भी कहते हैं, तो उनके प्रकाश से होता है, तो लाल और हरे रंग के लिए प्रकाश नहीं होता है, और जबकि पराबैंगनी प्रकाश से हो जाता है। तो आप खुद सोचिए कि अलग अलग पदार्थ के लिए और अलग अलग तरंग दैर्ध्य की किरणों के लिए जो है अलग अलग जो है अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। हाँ
कहाँ थे? हाँ, कॉपर में परामिनी प्रकाश से प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है, जबकि हरे अथवा लाल रंग के प्रकाश से प्रभाव नहीं होता है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आपको जरूरी है कि एक जो है अलग अलग तरंग दैर्ध्य की अगर आप किरण ले रहे हैं तो फर्क पड़ेगा कि अगर आप जो है पदार्थ कौन सा ले रहे हैं उस पर ही फर्क पड़ता है, और आप तरंग दैर्ध्य को किस तरंग दैर्ध्य की आप किरण इस्तेमाल कर रहे हैं उससे ही फर्क पड़ता है। और अपनी जो है ये मैं जैसे आपकी पहले दिखा चुका हूँ, देखिए देखिए, अलग अलग आवृत्ति का अगर आप जो है कंपाउंड यूज कर रहे हैं, मतलब अलग अलग आवृत्ति का पदार्थ भी यूज कर रहे हैं तो भी फर्क पड़ता है। तो आपको ये थोड़ा दिमाग में रखा है कि अगला पदार्थ अलग 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 यूज करेंगे या फिर आवृत्ति अलग अलग यूज करेंगे, और अगर आप उसका तरंग देर भी अलग अलग रखेंगे प्रकाश का तो भी जो है फर्क पड़ता है। और कुछ कुछ के उसमें आपको हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन निकले, कुछ में हो सकता है ना निकले, कुछ में हो सकता है ज्यादा निकले, कुछ में कम निकले। तो ये जो है अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग तरंग दैर्ध्य की किरणों की तरंग दैर्ध्य के लिए और अलग अलग जो है किरणों के आवृत्ति के लिए अलग अलग होता है, तो याद रखिएगा इस बात को। आगे बढ़ते हैं। यदि आपतित विकिरण की आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक हो जाती है तो बिना किसी काल पश्चात के तत्काल प्रकाश विद्युत उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जैसे ही प्रकाश पड़ा तुरंत ही अपना जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव चालू हो जाता है और इलेक्ट्रॉन जो है बाहर आ जाते हैं, उत्सर्जन तुरंत होता है। यानी जी देखिए, 10^10^-9 सेकंड से कम समय में उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है। मतलब उत्सर्जन जो है वो 10^-9 सेकंड, इतना कम समय में उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है। अब खुद सोचिए 10^-9 सेकंड, ये समय बहुत कम है। आप खुद सोचिए, बहुत कम है, इतने समय में उत्सर्जन जो है प्रारंभ हो जाता है और विद्युत प्रकाश जो है अपना उत्सर्जन बिल्कुल चालू हो जाता है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का प्रकाश विद्युत प्रभाव होने ही लगता है। सोचिए कितने कम समय में यह चालू हो जाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। हाँ, तो अब हम इस अनुभाग में वर्णन किए गए प्रायोगिक लक्षणों एवं प्रशिक्षणों का यह है क्या का यहाँ सारांश देंगे। तो किसी दिए गए प्रकाश संवेदी पदार्थ और अपतित विकिरण की आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक के लिए प्रकाश विद्युत धारा अपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, और चित्र 11.2 में जो है मैं आपको पहले बता चुका हूँ। मैं आपको चित्र भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो मैं आपके लिए लगा के लिए आया हूँ, वैसे मैं बहुत पहले डिस्कस कर चुका हूँ चित्र को। ये हमारा 11.2 जो है चित्र है ये वाला, और एक ये है 11.3। इसमें जो है अपन प्रकाश धारा को और संग्रहक पट्टिका विभव को अपन हम लोगों ने देखा था कि जब अलग अलग जो है तीव्रताओं पर देखेंगे तो अलग अलग तीव्रता रखेंगे तो जो है फर्क क्या पड़ेगा ग्राफ में, और ग्राफ की मदद से हमने समझा था। तो ये जो है 11.3 है, ये जो है 11.2 है। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। किसी दिए गए प्रकाश संवेदी पदार्थ और अपतित विकिरण की आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक के लिए प्रकाश विद्युत धारा अपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है, जैसा कि हमने चित्र 11.2 में देखा। दूसरा पॉइंट, किसी दिए गए प्रकाश संवेदी पदार्थ और अपतित विकिरण की आवृत्ति के लिए संतृप्त धारा अपतित विकिरण की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती पाई जाती है, जबकि निरोधी विभव तीव्रता पर निर्भर नहीं होता। तो जैसा कि हमने पहले इसको मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ग्राफ की मदद से आप एक और समझ लीजिए। तीव्रता जो है, अगर आप प्रकाश क्या बोले तीव्रता को बढ़ाएंगे तो प्रकाश धारा बढ़ेगी, तो प्रकाश धारा बढ़ेगी तो बस विभव भी बढ़ेगा। लेकिन आपको एक बात तो समझना है कि आप ये जो तीव्रता बढ़ाने पर, ये आपने बात कर कही कि ये हमें आपको पहले भी बता चुका हूँ, हो सकता है कि ये ग्राफ आपके दिमाग में नहीं आया कि ये ऐसा क्यों नहीं गया, या फिर ये वाला जो ग्राफ है ये ऐसा आके यहाँ क्यों नहीं गया, ये तीनों कैसे एक ही जगह पे मिल रहे हैं वी नॉट, जबकि जो है धारा ये क्या बोलते हैं तीव्रताएं अलग अलग हैं, तीनों का अलग अलग तीव्रताओं पर देख रहे हैं तब भी ये आके मिल रहे हैं केवल इस वी नॉट पर, ऐसा क्यों? मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि तीव्रता जो है जब जब ऊर्जा आपकी बराबर है, जब मान लीजिए आप में ऊर्जा आई और पट्टिका पर पड़ी, इलेक्ट्रॉन जो है बाहर आ गए, आपने जो है विभव बढ़ाया, धनात्मक विभव जो है इस पट्टिका का आपने बढ़ाया,
तो घनात्मक विभव पट्टिका का बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ खींचेंगे। तो इलेक्ट्रॉन जब इसकी तरफ खींचेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होते हैं किसके, इलेक्ट्रॉन होते हैं ऋणात्मक आवेश के, पर जब घनात्मक विभव आपने इस पट्टिका का बढ़ाया तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो जब वो बल लगाएगा तो बल से वो पीछे की तरफ आए, इलेक्ट्रॉन की तरफ आएंगे। जितना ज्यादा वो बल लगाएगा उतनी ही तेजी से वो आएंगे। और जो अपना धारा है, क्या धारा तो वही है कि इलेक्ट्रॉन जितनी तेज बहेगा वही धारा है। तो इलेक्ट्रॉन जितनी तरफ इस तरफ आएगा वही बस धारा उतनी ज्यादा होगी। लेकिन ये धारा, लेकिन अब ये प्रश्न उठता है कि ये सीधी कैसे हो गई। तो सीधी इसलिए हो गई क्योंकि अब आगे जब इलेक्ट्रॉन जो है एक समय पर आप पूरे खींच चुके होंगे, धारा क्या, अगर अपन 1 सेकंड या कोई एक निश्चित समय की बात करें, एक निश्चित समय पर अगर आप विभव बढ़ा इतना बढ़ा देंगे कि वो सारे इलेक्ट्रॉनों को एक बार में खींच लेगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो इलेक्ट्रॉन जब बचेंगे ही नहीं तो वो किस खींचेगा किसको, जब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं खींचने के लिए तो वह धारा क्या होगी। धारा तो इलेक्ट्रॉन का बहाव है, और जब इलेक्ट्रॉन बहेंगे ही नहीं तो धारा क्या होगी, धारा कॉन्स्टेंट हो जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, जो इलेक्ट्रॉन है वो सारे खींचते जा रहे हैं। और क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन खींच ही नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन जैसे आएगा वो इस तरफ खींच जाएगा क्योंकि जो है धनात्मक विभव है वो बहुत ज्यादा है। अब बात है कि मान लीजिए मैं ऋणात्मक आवेश को बढ़ाता हूँ, तो इधर से जो है मान लीजिए इस पॉइंट से, ये मान लीजिए ये तीनों के, इन तीनों के पॉइंट से मैं धनात्मक आवेश को जो है वो बढ़ाता हूँ। तो धनात्मक आवेश को पट्टिका पड़े पट्टिका धनात्मक आवेश को बढ़ाने से क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाता है, वो मतलब बल लगाता है, उन्हें पीछे की तरफ धकेलने का प्रयास करता है। लेकिन जो है अब ऊर्जा जो है इस पर डिपेंड करती है कि अगर इलेक्ट्रॉन के पास इतनी ऊर्जा होगी कि वो इस बल को सहन कर पाता है तो वो इस पट्टिका तक पहुंच जाएगा। अगर वो इस पट्टिका तक पहुंच जाएगा तो बस वो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और फिर धारा बह जाएगी। लेकिन अगर इतनी ऊर्जा उसके पास नहीं है कि वो उस बल को झेल पाए तो बस वो जो झेल नहीं पाएगा और इस पट्टिका पर आ नहीं पाएगा, और वो जो है बीच में ही रह जाएगा और धारा में अपना जो है नहीं करेगा कॉन्ट्रीब्यूशन। लेकिन अगर उसकी जो है ऊर्जा जो है ज्यादा हो जाती है इस विभव के बल से तो बस वो इलेक्ट्रॉन साइड आ जाता है। लेकिन अब जो है ऊर्जा, अब इसमें जो है डिपेंड नहीं करती है कि तीव्रता क्या है, इस पर जो है ऊर्जा बहुत निर्भर करती है कि अगर आपके पास इतनी ऊर्जा है कि आप इस साइड आ पाए तो ही आप आ पाएंगे, अगर आपके पास ऊर्जा नहीं है तो आप नहीं आ पाएंगे। तो अब इसमें गौर करने वाली बात है कि चाहे तीव्रता आपकी I3 हो, चाहे तीव्रता आपकी I2 हो, चाहे तीव्रता आपकी I1 हो, तीनों 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 मिलेंगे तो इस वी नॉट पर ही। ये देखिए तीनों मिले तो मिले वी नॉट पर ही, क्योंकि इस पर जो है अपना जो है ऊर्जा पर निर्भर करता है, अपनी तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। तीव्रता कुछ भी हो अपना जो है मंदक विभव उतना ही रहता है, मंदक विभव तीनों सबका वही होगा, मंदक विभव जो है अपना चेंज नहीं होगा। तो आपको ये दोनों ग्राफ समझ में आ गए होंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो किसी दिए गए प्रकाश संवेदी पदार्थ के लिए मैं सेट कर लूँ। हाँ, किसी दिए गए प्रकाश संवेदी पदार्थ के लिए एक निश्चित न्यूनतम अंतक आवृत्ति होती है जिसे दहली आवृत्ति कहते हैं, जिसके नीचे प्रकाशित इलेक्ट्रॉनों का कोई उत्सर्जन नहीं होता है, चाहे अपतित प्रकाश कितना भी तीव्र क्यों ना हो। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कितना भी तीव्र जो है आपका प्रकाश हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, जो है प्रकाशित इलेक्ट्रॉनों का कोई उत्सर्जन नहीं होता है। अगर आपकी जो है दहली आवृत्ति से कम आवृत्ति अगर आपकी है तो उससे कोई वो जो है अपना उत्सर्जन नहीं होगा और कोई भी प्रकाश विद्युत प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन बिना किसी काल पश्चात के 10 की घात -9 सेकंड अथवा कम तक ताक्षणिक प्रक्रिया है, तब भी जब अपतित विकिरण को अत्यधिक मंद कर दिया जाता है। तो आप समझने का प्रयास कीजिए, मैंने आपको ये बात समझी कि कितना तीव्रता से इलेक्ट्रॉन जो है बाहर आ रहा है तो अपनी पट्टिका से। आपको आगे देखने को मिलेगा कि कुछ थ्योरीज आई तो जो थ्योरीज कैसे जो है वो प्रूव करने की कोशिश कर रही थी इस प्रकाश संवेदी प्रभाव, इस प्रकाश विद्युत प्रभाव को, लेकिन जो वो फेल हो जाते हैं। तो उनकी फेल होने का कुछ एक कारण यह भी है कि जो है वो ये प्रूव नहीं कर ये नहीं कर पाते हैं अपना प्रूफ कि 10 की घात -9 सेकंड से कम में जो है अपना जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव हो जाता है, तो वो इसको नहीं बता पाते हैं, तो उस कारण कुछ थ्योरी फेल हो जाती है। तो आगे भी हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा, आपने निरोधी विभव पर आपतित विकिरण की आवृत्ति का प्रभाव को समझा, और ये मैं अपने फिर हमने हाँ, तो ये जो है ये पूरा डायग्राम है, इसको तो डायग्राम को तो आप रख लीजिए, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद ये हमने ये देखो सारे इस चैप्टर में बहुत ग्राफ है, पहले मैं बता देता हूँ, इस चैप्टर में 11 अधिक है,
तो आपको सारे ग्राफों को अच्छे से पढ़ना है, सारे ग्राफ की प्रैक्टिस करनी है, रटना किसी ग्राफ को नहीं है, समझना है। और एग्जाम में समझ के ही कर पाएंगे, अगर आप रटेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। सारे ग्राफ को समझिए, ये देखिए जैसे इस ग्राफ में है कि कैसे जो है बताया गया है कि आप धातु अलग अलग लेंगे तो उसका जो है अपना जो है ये डेली आवृत्ति बदल जाती है, और कैसे बताया कि डेली आवृत्ति से कम अगर आवृत्ति है अगर प्रकाश की तो वो कुछ निरोधी विभव अपना कुछ नहीं रहेगा, वो जीरो रहेगा। जैसे ही उसको जो है डेली आवृत्ति से ज्यादा हो जाती है आवृत्ति तो ये बढ़ जाएगा। तो कैसे कि इसको जो है आपको समझना है, रटना नहीं है, कुछ भी आप रटेंगे नहीं तभी आप एग्जाम में जो है अच्छे नंबर ला पाएंगे। तो फिर मैंने आपको ये कुछ स्लाइड्स बताई थी, उसके बाद हमने ये देखा कि किसी दिए गए प्रकाश संवेदी पदार्थ और अपतित विकिरण की आवृत्ति के लिए प्रकाश विद्युत धारा अपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरा, किसी दिए गए प्रकाश संवेदी पदार्थ और अपतित विकिरण की आवृत्ति के लिए संतृप्त धारा अपतित विकिरण की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती पाई जाती है, जबकि निरोधी विभव तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। सही, ठीक है, समझ में आ गया आपको। फिर मैंने आपको ग्राफ की मदद से आपको समझाया, ग्राफ में आपको शायद दूसरी से तीसरी बार समझा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं इस चैप्टर में, ग्राफ्स ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतने तो फॉर्मुलाज भी इंपॉर्टेंट नहीं होंगे जितने यहाँ पे ग्राफ्स इंपॉर्टेंट है। ग्राफ्स को आपको अच्छे से पढ़ने हैं, फॉर्मुलाज जो है आपको, पहला आपको ग्राफ्स अच्छे से पढ़ने हैं, दूसरा आपको फॉर्मुला अच्छे से पढ़ने हैं सारे, और क्वेश्चन आपसे फिर एक भी नहीं बनेगा क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो आएंगे वो आप सारी कर लेंगे, और जो ग्राफ बनाने को आपको आएगा वो भी आप कर लेंगे। थ्योरी आपको, उसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा मेरे साथ आप एनसीईआरटी पढ़ते चलिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरे साथ एनसीईआरटी आप कंप्लीट करते चलिए, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आप घर पे बैठ के उतनी एनसीईआरटी जो है अपनी कंप्लीट कर लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी पूरी एनसीईआरटी पढ़ने में। उसके बाद मैंने आपको थ्योरी दी, और अब हम कल क्या पढ़ेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा प्रकाश का तरंग सिद्धांत पढ़ेंगे, और इसके इसमें आपको मजा भी आएगा। और फिर इसके बाद मैंने आपको अभी जो बताया था कि समय को जो है वो नहीं बता पाए उस कारण उनकी थ्योरी फेल हुई, वो भी हम पढ़ेंगे बाद में। तो बस आज कल का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, आपको बहुत मजा आएगा कल के लेक्चर में। तो अभी इतनी मैंने बढ़ा दिया, उतनी एनसीईआरटी पढ़ के आइएगा। तो बस मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।